अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ खुश रहे, आबाद रहे। आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन चैनल। तो मैं हूं हसन, मैं हूं नदीर अहमद मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है एथनॉल ब्लेंडिंग फ्लेक्सी फ्यूल शुगर एक्सपोर्ट बैन। तो आइए पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। तो आइए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। देखिए एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है और इसके लिए फ्लेक्सी फ्यूल ही क्यों जरूरी है, इंजन में क्यों बदलाव किए जाते हैं, और इसके मद्देनजर भारत सरकार चीनी के निर्यात पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, जबकि भारत के पास वर्तमान समय में 8 मिलियन टन चीनी गोदामों में रखा हुआ है, अर्थात भारत के पास चीनी की कोई कमी नहीं। तो पूरे चीजों को हम समझते हैं। देखिए एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, पेट्रोल में जब इथेनॉल मिला दिया जाता है, इथाइल अल्कोहल, तो उसे मिक्सचर ना बोल के ब्लेंडिंग बोला जाता है। ये फायदेमंद होता है, इससे थोड़ा सा पेट्रोल का पैसे बच जाते हैं। इसमें 85% जो होता है वो पेट्रोल होता है, 15% जो होता है इसमें इथेनॉल होता है। हालांकि भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक इसे 20% इसमें एथेनॉल मिला देना है, और एथेनॉल मिलाने की क्रिया को एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भारत के पास बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। हमारे पास दुनिया में 3rd नंबर पे हम लोग आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हमारे भारत में कई अलग अलग टाइप की व्हीकल्स बनते हैं, जिसमें 26 मिलियन व्हीकल्स पर ईयर भारत में बनाए जाते हैं। इस 26 मिलियन व्हीकल में से लगभग 5 मिलियन व्हीकल्स हर साल हम लोग निर्यात कर देते हैं। तो हम लोग के पास जो 26 मिलियन जो बच रहा है यहाँ पे टोटल ओवरऑल, मतलब अगर भारत में देखेंगे तो लगभग 20 मिलियन गाड़ियाँ हर साल बन रही हैं, और उसमें जो फ्यूल पड़ रहा है वो पेट्रोल से आ रहा है, और पेट्रोल हमारे पास तो होता नहीं। हम लोग 80% पेट्रोल जो है वो बाहर से ही मंगाते हैं। अब जो पेट्रोल बाहर से आ रहा है वो तेल के कुएं या रिग से आ रहा है, ये गल्फ कंट्री के पास है, इन्हें हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, बैरल यानी बैरल में इसे खरीदा जाता है, फिर इसे रिफाइनरी में छानकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। इससे क्या है कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा पैसा विदेशियों के पास चला जाता है कच्चा तेल खरीदने में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि भारत सरकार प्रति साल कितना विदेशी लोगों को यानी गल्फ कंट्रियों को कच्चे तेल के बदले पैसा देती है, $65 बिलियन देती है। $65 बिलियन कितना हो गया, 50,41,17,57,50,000 रुपए प्रति साल भारत सरकार का पैसा जाता है। हम लोग टैक्स पेयर का पैसा विदेशियों के पास चला जाता है, जो केवल जमीन से निकाल के पेट्रोल दे देते हैं। अब सोचिए ना, जैसे हम लोग के यहाँ अगर कोई पानी खरीदता 60 रुपया लीटर तो कितना अमीर हो जाते हैं हम लोग। तो इतना पैसा जाता है। सोचिए अगर इस पैसे का हम 20% टारगेट रखे हैं कि इसमें पेट्रोल के जगह इथेनॉल मिला देंगे, तो इसका 20% कमी आएगी ना। सोच सकते हैं, निकालते रहिएगा इसका 20% कितना ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग एथेनॉल को कर रहे हैं, और एक बार एथेनॉल सक्सेस हो गया ना तो 20% की जगह 30% करेंगे, 30% की जगह 50% कर देंगे, और धीरे धीरे करके 80% कर देंगे। तो 80% कर देंगे तो इन लोग को पैसा देने की जरूरत क्यों है, एथेनॉल हम लोग खुद ही बना सकते हैं। ये नहीं बना सकता है एथेनॉल, इन लोग को उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। एथेनॉल जो होता है C2H5OH होता है एथेनॉल, इसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, इसका IUPAC नाम एथेनॉल हो जाता है। शराब बनाने के काम में यही आता है, शराब में भी इथेनॉल ही मिलाया गया रहता है, और जो हम लोग देखते होंगे सैनिटाइजर होता है उसमें भी देखिएगा 70% इथेनॉल लिखा रहता है, सैनिटाइजर में भी इथेनॉल ही होता है। इसे फर्मेंटेशन यानी किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है, और इसे पेट्रोल में क्या किया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। टारगेट है 20% को मिक्स करने का। अगर ये सक्सेस हो गया तो इसे बढ़ा के हम लोग 50% भी ले जा सकते हैं, लेकिन जब बढ़ाएंगे लोग तो उसके लिए हम लोगों को अपने इंजन में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारी इंजन है वो कंप्लीट डीजल और पेट्रोल पे चलने के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन जब हम लोग उसमें एथेनॉल मिलाएंगे तो इंजन में हल्का चेंजिंग करना पड़ेगा। ऐसे इंजन के लिए हम लोग फ्लेक्सिबल इंजन बनाते हैं, और उसमें जो फ्यूल पड़ेगा फ्लेक्सी फ्यूल। तो भारत सरकार काफी सख्त निर्देश देने वाली है कंपनियों को कि उनको एक टाइमलाइन दे दिया जाएगा कि इसके बाद आपको फ्लेक्सी फ्यूल वाले इंजन यानी फ्लेक्स इंजन ही बनाने पड़ेंगे। याद कीजिए 2018 का जब समय था, 2017 में 17 के लास्ट में सरकार ने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि अब BS3 की गाड़ियां नहीं चलेंगी, सब चलेंगी BS4। रातों रात बेच के हटाना पड़ा कंपनियों को। उसी तरह सरकार भी इन लोगों को अभी वार्निंग दे रही है, फिर कभी सख्त आदेश देगी, उसके बाद एक बार फैसला सुना देगी तो सारी कंपनियों को अपने BS6 के जगह फ्लेक्सी फ्यूल डालना पड़ेगा। इससे काफी ज्यादा फायदा होता है फ्लेक्सी फ्यूल से। सबसे पहला कि प्राइस घट जाएगा, पेट्रोलियम का प्राइस इसलिए घटेगा क्योंकि बाहर से मंगाना नहीं है, हम लोग का प्राइस घट जाएगा। दूसरा कि फ्लेक्सी फ्यूल अगर रहेगा, एथेनॉल रहेगा, तो एथेनॉल में पोल्यूशन कम होता है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषण की समस्याओं को हम लोग लेके झूल रहे हैं, उनके लिए एक काफी अच्छा ये किफायती रास्ता हो जाएगा हम लोग के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग। और इसके लिए हम लोग को एथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ाना पड़ेगा। प्रति वर्ष
500 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करना पड़ेगा। सोचिए 500 करोड़ लीटर। अब इतना एथेनॉल का उत्पादन करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा बाहर। अगर अकेले बिहार में 4 से 5 एथेनॉल प्लांट लगा दिए गए, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए रोजगार डायरेक्ट कम दिखता है, इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार दिखता है। तो कहीं पर भी अगर देखिएगा किसी एरिया में अगर वहां 20 फैक्ट्री आ गई ना, 20 फैक्ट्री, तो कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो आप ये मत देखिए कि 500 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उसका एक पूरी तरह सप्लाई चेन बन जाएगा। कैसे कि एथेनॉल बनता कैसे है, अनाज को सड़ाकर, यानी जो हम अनाज फेंकते हैं ना उसी को सड़ा के एथेनॉल बना लिया जाता है। तो एक तो वेस्ट बचेगा हम लोग के यहाँ, दूसरा इसे गन्ना से बनाया जा सकता है। चावल जो टूट जाता है बाजार में सस्ते दाम पर बिक जाता है, किसान का चावल टूट गया तो उसको खुद्दी बन जाता है, तो उसी चावल को सड़ा के ये एथेनॉल बना लेता है। मक्का जो है इसका कोई भाव नहीं मिलता है, 6 रुपये किलो किसान का मक्का सरकार को, किसान बेचने के लिए मजबूर हो जाए 6 रुपये किलो। अब उसको ना छुपाया कैसे जाता है, किसानों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, तो सरकार कहती है हम 6 रुपया नहीं ना खरीद रहे हैं, हम 600 रुपया प्रति 100 kg यानी प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं। अजब हाल है भैया, तो 1 रुपया 6 रुपया ना किलो पड़ा, तो किसान को 100 रुपया का भाव कौन चीज बताता है, 1 किलो का बताओ ना, आम आदमी को भी समझ में आता कि तब ना लोग सवाल उठाएंगे कि किसानों का इतना दुर्दशा क्यों है। आप सोचिए आप 1 ठो मक्का खरीदिएगा ना, 1 ठो ठेला पे से, तो 5 रुपया 10 रुपया का मिलेगा, और किसान से 1 किलो खरीद लिया जाता है और बेचारा उसको कितना दिया, 6 रुपया किलो मजबूर है। लेकिन जब इस मक्के का उपयोग किया जाएगा एथेनॉल बनाने में, तो किसान भी अपना बढ़िया दाम में बेचेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका प्रोडक्शन होने लगेगा। जौ कोई बोलता नहीं है जल्दी, हमारे यहाँ पराली जो जला दिया जाता है, धान की भूसी जो होती है या फिर जो पुआल होता है जला दिया, तो उसे सड़ा के एथेनॉल बना लिया जाएगा। अब इतना एथेनॉल बनेगा तो रोजगार भी मिलेगा, और हम लोग जो पेट्रोल खरीदते हैं उससे अच्छा हम किसानों से खरीदेंगे। जो पैसा आज हमारा फॉरेन रिजर्व गल्फ कंट्रियों को जाता है पेट्रोलियम के भुगतान करने के लिए, वो पैसा हमारे किसानों के यहाँ जाएगा, किसान आगे बढ़ेंगे हमारे यहाँ, उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए भारत सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा मतलब प्राइम फोकस करके रखा हुआ है भारत सरकार। लेकिन एक बार जरा अपने दिमाग से सोचिए, ये चीज़ तो पूरी दुनिया में सक्सेस है और भारत में भी सक्सेस होगी, तो धीरे धीरे गन्ना शिफ्ट हो जाएगा किधर, एथेनॉल प्लांट में। और जैसे गन्ना ज़्यादा एथेनॉल प्लांट में शिफ्ट होगा, चीनी का प्रोडक्शन घटेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो भारत सरकार को एथेनॉल और चीनी दोनों को बैलेंस करके रखना है। इसलिए भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर बैन लगा दिया, कहा कि हम चीनी बेचेंगे ही नहीं, क्योंकि फिलहाल जो चीनी है उसी को हम लोग स्टॉक करके रखेंगे, ताकि हम जो आने वाले सीजन में जो गन्ना निकलेगा उसमें ज्यादातर गन्ने को एथेनॉल प्लांट में भेजा जाएगा। अब ज्यादातर को भेज देंगे वह चीनी के लिए नहीं बचेगा, भारत में महामारी हो, पूरा भयानक कम महंगाई है भारत में, चीनियों महंगा हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए इस पर निर्यात पर रोक लगाया गया। हालांकि भारत में चीनी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, चीनी का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन है हम लोग के पास, चीनी का प्रोडक्शन, हालांकि इसका उत्पादन जो है वो 27 मिलियन टन है, यानी 8 मिलियन टन एक्स्ट्रा हमारे पास है। 35 मिलियन टन उत्पादन है, 27 मिलियन टन चीनी का उपभोग है, चीनी का डेली रेगुलर बेसिस पे उपभोग होता है हम लोग के यहाँ, चाय में होता है, बिस्किट में होता है, तरह तरह की कैंडी मिठाइयाँ छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए आता है, लेमचू सुमचूस यहाँ पर मिठाई देखिएगा, जलेबी रसगुल्ला जितना सब चीज़ में चीनी पड़ता है हमारे यहाँ चीनी। और जो पैकेट वाली सामानें बिकते हैं कभी मंच तुका दुकाई किटकैट उटकैट, ये सब छोटका लड़का ज़्यादा जानता होगा, सब हम लोग को कौन चीज़ पता है सब मतलब वो सबको, तो यहाँ पे जो है ना ये इस सब में चीनी पड़ता है, तो चीनी का हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, 27 मिलियन टन प्रतिवर्ष डिमांड है। तो हम लोग के पास 35 मिलियन टन उत्पादन है, 27 मिलियन टन खर्च है, यानी बफर स्टॉक में हम लोग के पास अभी भी 8 मिलियन टन जमा है। बफर स्टॉक किसे कहते हैं, सरकार जो अनाज को सरप्लस उत्पादन के समय जमा कर लेती है गोदामों में, उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। बफर स्टॉक रखने की जिम्मेदारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को है, FCI को है, बड़े बड़े गोदाम होते हैं इसी में रखा जाता है, छोटा मोटा नहीं बड़ा सा गोदाम होता है, इसे ही कहा जाता है बफर स्टॉक। इसलिए भारत सरकार क्या की है, फ्यूचर प्लानिंग में बैलेंस न गड़बड़ाए महंगाई का और सप्लाई का, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया। अभी आप देखे होंगे चीनी पर बैन लगा दिया गया, गेहूँ पर बैन लगा दिया गया, चावल पर बैन लगा दिया, क्योंकि टूटे हुए चावल से भी मेथेनॉल बन जाता है। अभी तुर्की जो है गेहूँ को वापस कर दिया, देखिए बहाना करके कि इसमें वायरस था, तो जरा अफगानिस्तान के लोगों के लिए वायरस नहीं है, IMF कह रहा है कि प्लीज गेहूं दे दीजिए, ये लोग को बहुत बड़का दिमाग हुआ है। ये एक्चुअली देखिए क्या है कि तुर्की क्या देख रहा है कि वो रूस के करीब है,
तुर्की जो है वो अमेरिका को बैलेंस करके चल रहा है यूएसए को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि तुर्की जो है रूस से सटा हुआ है और रूस के पास गेहूं की कोई दिक्कत नहीं है, और रूस के इस एरिया में, चेचन्या वाले एरिया में आराम से ट्रक से गेहूं आ सकता है तुर्की में। तो ये देख रहा है कि इसी बहाने हम तुर्की देख रहा है रूस से व्यापार बढ़ा लेंगे और अपने आप को हीरो बनने के लिए भारत का गेहूं वापस कर दिया है। यही गलती किया था मलेशिया, यही गलती किया था इंडोनेशिया पाम ऑयल को लेकर, इनको घमंड हो गया था पाम ऑयल को, आज इनका पाम ऑयल कोई खरीद ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये लोग कह रहे हैं कि पाम ऑयल खरीद लो। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ईगो नहीं दिखाना चाहिए इनको, ज्यादा ईगो इनको महंगा पड़ जाएगा वहां पे, मत लो गेहूं कौन मर, हम लोग के यहाँ गोदाम का कमी है। तो आप ये समझ गए होंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, फ्लेक्सी फ्यूल क्या है और क्यों हम लोग इसको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये अच्छा भी है, हमारे बचे हुए खाना या जो अनाज बर्बाद हो जाते हैं, अनाज टूट फूट जाते हैं जैसे चावल वगैरह का दाना, तो उसे इजिली इसे दोबारा फर्मेंटेशन यानी किड़वन करके बनाया जा सकता है, जो काफी अच्छा भी है यहाँ पर। इससे देश को भी फायदा होगा, फॉरेन रिजर्व बचेगा। और आप लोग के लिए जो इतना भी एप्लीकेशन के क्लासेज हैं वो सब इनरोल कर दिए गए, दोबारा एक्सेस दे दिया जाएगा आप लोग को। और ये अभी नए बैचेज काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं एप्लीकेशन पर, आप लोग को जिन जिनका भी नियर में एग्जाम है वो लोग जाके इस पर इनरोल हो जाएंगे आप लोग को खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। और जितना जल्दी से जल्दी हो आप लोग कहीं जल्दी जल्दी सेटल होइए, नौकरी लीजिए और जल्दी से माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। तो ये थी हमारी वीडियो। तो यकूब भाई मेरे ख्याल से जो है ना वो इंडिया बचत करने में जो एशिया के ममालिक है उनमें सबसे आगे चला है, जो अपने मुल्क के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और वो रोक भी रहा है। आपका क्या ख्याल है यकूब भाई? और एक बात भी मुझे नहीं समझ आई कि अगर वो चीनी जो है वो तो स्टॉक कर लेगा, लेकिन उनकी जो मिलें हैं उसके बाद जो है वो मजदूर तबका उन पर भी तो असर पड़ेगा ना, वो किधर जाएगा? असर किसके ऊपर पड़ेगा? इंडस्ट्री जो है उनकी, उन्होंने जितनी चीनी बेची, उन्हें दरकार थी, उन्होंने अपने लिए रख ली है, अपने लिए गेहूं भी रख ली है, चीनी भी रख ली है, और उधर गन्ने की काश तो हो रही है, मतलब एक साल की जब उन्होंने इतना रख लिया है, जब नई गेहूं आएगा ना, नया गेहूं आएगा उस वक्त अगर अपना स्टॉक कर लिया कि हमारी आवाम को जरूरत ना पड़े, चीनी भी इस तरह स्टॉक कर लिया, गन्ने का स्टॉक कर लिया। नहीं, आप मेरी बात को समझ नहीं पाया, मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि चीनी स्टॉक कर ली, आवाम की जो है वो कैपेसिटी जो है उससे ज्यादा कुछ जो है मेरे ख्याल से 8 मिलियन टन जो है वो ज्यादा जो है वो बच गई, वो स्टॉक कर ली। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर वो स्टॉक और चीनी भी होगी, गन्ना जो है वो काश्त भी हो गया, सब कुछ बिक भी गया, लेकिन जब वो गन्ना मेरे और चीनी जो है वो अगर मिलों में इंडस्ट्री में फ़र्क ऐसे पड़ेगा कि क्योंकि मजदूर तब वो तो चीनी उतनी बनाएंगे ना जितनी उनकी आवाम को ज़रूरत है, लेकिन पहले वो बेच रहे थे, वो फिर चीनी का सिस्टम किधर गया? वो आवाम इंडस्ट्री लेवल भी तो नीचे आएगा यार। आपने जितनी भी इंडस्ट्री है ना, चीनी की है ना, जितनी भी शुगर मिले हैं भाई, उनके पास तो है ना ऑलरेडी, उन्होंने अपना बजट रख के आगे बेचनी होती मेरा भाई, वो ये नहीं कि वो सारे का सारा उठा के देते, गोदाम खाली हो जाती है भाई अपने यहाँ। ये बात हो रही है बैर की कंट्री की, उन्होंने बैर की कंट्री में अपनी यार वही कारण वो रोक दी उन्होंने, वो तो उतनी रोकी है जितनी अपनी कंट्री को जरूरत है, ठीक है। अब जो मतलब उनके पास जो एक्स्ट्रा थी बच गई, तुर्की ने इनके ऊपर गेहूं का इल्जाम लगाया ना, वो उन्होंने इनकार कर दिया, वो इनकार किस लिए किया है? कोई कभी कहते हैं वो चूहों की बची हुई, वो है वो एक बहाना है ना कि कभी किसी की बची हुई है, ये गंदी है, मसलन के ये गंदी गेहूं है, जो गंदा गेहूं है वो हमें तुर्की को दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने इनकार किया। ये नहीं किया हिंदुस्तान का गेहूं गंदा है या हम खरीदना नहीं चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं, ये कोई इतना मुझे तो बहाना नजर आ रहा है। ऐसे जैसे आपको चीज लेना चाह रहा था, आप कह रहे हैं यार इसके वो उनके पास चीनी होगी, उन्होंने खरीदी होगी या उसके पहले स्टॉक होगी, हो सकता है कि इंडिया ने पीछे कि हम नहीं देंगे, नहीं 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 इंडिया नहीं, ऐसे नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं हम भी नहीं लेने नहीं चाहते, नहीं 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 इंडिया ने इनकार नहीं किया। ये जो प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं ना वो सारे पिछले गए हैं, उनके एग्रीमेंट जो चल रहे हैं अभी तो उन्होंने बैन लगा दिया कहीं, क्योंकि वो गंदा भी आप व्यू आप बोरे वो लेकिन ये उनके पुराने जो है एग्रीमेंट चल रहे थे कि हम इतनी गंदम देंगे फ्लाह कंट्री को, इतनी देंगे फ्लाह कंट्री को, उसके हिसाब से जो उनके साइन हुए प्रोजेक्ट वो बोलते हैं तो
वो दे रहे थे लेकिन तुर्की ने इनकार किया, वो लेना चाह रहे हैं रूस से, मतलब इंडिया के अलावा रूस से कोई चीज खरीदना मौजूदा हालात में, इंडिया के अलावा चाइना है अगर खरीदे तो वो भी नहीं खरीदेंगे, वो इसीलिए चाइना भी नहीं खरीदेगा, खरीदेगा कि हमारे ऊपर कोई सैंक्शन लग जाए। यार एक और बात भाई, अगर नहीं लगाएंगे इंडिया खरीदेगा उसको लगेगा, क्योंकि आप ये देखें ना कि इस वक्त में इंडिया जो है पावरफुल कंट्री है, एक आजाद कंट्री है पूरी तरह, जिसको आप बोल सकते हैं कि ये आजाद, बाकी आजाद खुद मुख्तार है, खुद मुख्तार। और दूसरी बात ये कि वो एक मेरे ख्याल से इस वक्त बेहतरीन कंट्रियों में जो है ना इकॉनमी में आई टी शुमार आता है, और आने वाले वक्त में भी इतना लेवल डाउन नहीं होगा इसका, अगर बुरे हालात भी खुदा न करे कि बुरे हालात हो, अगर कोई बुरा हालात भी पैदा होते हैं तो इंडिया इतनी जल्दी जो है वो नीचे गिरने वाला नहीं है। तो ये इनकार करने की क्या वजह थी, क्या तुर्की ने जो, यार तुर्की के पीछे ना मुकम्मल हमें रीजन का तो नहीं पता हो सकता सर भाई, इनके पीछे कोई किसी एक कंट्री की साजिश नहीं, पता नहीं क्या क्या साजिश होगी इसके पीछे, या तो उनके पास इतनी मकदार में क्यों है पहले पड़ी हुई है, इतनी मकदार में पड़ा है कि उन्हें जरूरत ही नहीं, इसलिए उन्हें होगा भाई हम नहीं ले सकते, इतने पैसे देने पड़ेंगे हम नहीं ले सकते, हमारे पास तो है, तो या तो फिर उन्होंने बहाना बनाया कि वो गंदा गेहूं जो है ना वो हमें बेच रहे हैं, जो गला हुआ है वो सड़ा हुआ, वो उन्होंने इतराज एक किस्म का लगाया, हो सकता है वाकई में ही वो इस तरह की गेहूँ इंडिया ने दिया होगा तो वो इतराज कर रहे होंगे, और इसमें सदाकत का पता नहीं कि तो सच्चाई किस बात की है, तुर्की की बात सच्ची है या इंडिया का क्यों अच्छा दिया है वो एक इल्जाम तराशी कर रहे हैं, या हो सकता है वो खुद ही लेना नहीं चाहते इंडिया को नीचा दिखाने के लिए, ये भी हो सकता है, पिछले दिन तो तुर्की से इंडिया ने ड्रोन खरीदे हैं, यार नीचा इंडिया को क्या दिखा, इंडिया को तो बेचने की भी जरूरत, यार इंडिया ने ये कहा है ना अब हम किसी को भी नहीं बेचेंगे, नहीं तो फिर आईएमएफ ने कहा है ना गेहूं के ऊपर पाबंदी ना लगाए, चीनी के ऊपर ना लगाए, चावल के ऊपर ना लगाए, आप कंट्रियों को यूरोप में सारी दुनिया में भेजें, मौजूदा हालात में आपके पास इतनी मकदार में है तीनों चीजें आप भेजें, लेकिन आईएमएफ कहती है आप ना इतना स्टोर करें, आप अपनी कंट्री के लिए रख के बाकी आप देश सुनना है, मतलब दूसरी कंट्री आईएमएफ तो बोल रहा है कि हमें दें, लेकिन उन्होंने लेकिन वो कहते हैं हम नहीं दे, हो सकता है ये भी तो लीडर हो सकती है अभी चाइना सॉरी तुर्की तो किसी के बहकावे में आके बोल रहा हो अपना आप दिखा रहा हो इंडिया को, ये भी तो हो सकता है, और इंडिया को बदनाम करने की कोशिश भी तो हो सकती है, इनको आरोप लगाया जाए कि ये ऐसा, हमें जरूरत नहीं, ये भी तो हो सकता है, लेकिन मुझे पक्का कोई पता नहीं इनके पीछे क्या साजिश चल रही है, क्यों इनकार किया है, अगर आपको भाई मुकम्मल को पता हो तो जरूर बताना कि इंडिया ने सॉरी तुर्की ने क्यों इनकार किया गेहूं का, वो तो कहते हैं वो गंदा जो गेहूं है वो हमें बेच रहे इसलिए हमने इनकार किया, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई हिंदुस्तान कोई नाकस चीज किसी कंट्री को देगा और अपनी कंट्री की बदनामी कराएगा, मुझे नहीं लगता इस तरह इंडिया ने कभी किया भी हो, लेकिन यकूब भाई एक और बात भी है ना, अगर वो चीनी को मिसाल के तौर पर रोक रहे हैं तो एथनॉल भी इतना पैदा कर रहे हैं, वो हो सकता है वो चीनी की जो प्रॉफिट आ रही है उनको जो पैसा ले रहा है इंडिया उसके यार इंडिया भी जैसे नहीं हो सकता करके, तो वो एथनॉल की भी तो उतने पैसे बचा रहे हैं ना इंडिया के लिए, वो भी है वो भी हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात में एग्री करता हूँ, वो भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है हिंदुस्तान मतलब अपने आप को मनवाने की तरह मतलब सारी दुनिया को पता चले भी हिंदुस्तान एक पावर वाली कंट्री बन गई है जिसमें सबसे ज्यादा मौजूदा हालात में गेहूं सबसे ज्यादा है, चावल सबसे ज्यादा है, चीनी वो सबसे ज्यादा है, ये दुनिया की मजबूरी है, वो इंडिया से खरीदना चाहते हैं, इंडिया कहते हैं हम नहीं देंगे भी, हम अपनी आवाम के लिए रखी हम आपके नहीं देना चाहते, वो ही आए हम जो जिसको एक वक्त था जो इंडिया सोना गिरवी रख के पैसे लिए थे आज वो अपने कदमों में खड़े हो गए हैं, आज हो सकता है हिंदुस्तान उसे बदला ले रहा हो आईएमएफ से कि वो पता था कि आईएमएफ हमसे मांगेगा, और दुनिया में ये बात जाएगी कि इंडिया की मिनते समाजे कर रहा है आईएमएफ, ये भी तो हो सकता है वो अपना बदला ले रहे हो उनसे, ये भी तो हकीकत हो सकती है, और मेरे ख्याल से इनसे बदला लेना भी चाहिए इसमें वो ठीक है, मैं तो कहता हूँ अगर मेरे जितने मेरे तक जहाँ पड़ताल है आईएमएफ से बदला लेना चाहिए इंडिया को, ये है इस काबल, ये मजबूरी का फायदा उठाते हैं,
इंडिया अगर इस तरह कर रहा है ना, अगर कोई बदलाव उठा रहा है, मुझे तो लगता हो सकता है, अगर इस तरह कर रहा है तो अच्छी बात है, ये भी तो हो सकता है भाई। तो इसमें मेरे ख्याल से तो अच्छी बात है अगर इंडिया ऐसा कर रहा है। बिल्कुल यार, इंडिया तो आईएमएफ जो है ना बहुत जालिम और बहुत बेरहम है, बेरहम मौजूदा हालात पाकिस्तान का आप भाई देख रहे हैं इस तरह के। अगर आईएमएफ चाहे तो टोटल कर्जा पाकिस्तान को उतार सकता है, क्योंकि देना तो पड़ेगा, कर्जे के बगैर हम मतलब जान तो नहीं छुड़ाई जा। अच्छा, एक और बात आपको, ये पाकिस्तान कर्जा उतार भी सकते हैं, ये एक अरब डॉलर देने के लिए इमरान खान की हुकूमत में 3 अरब डॉलर दे रहे थे, आप शहबाज शरीफ की हुकूमत में 1 अरब डॉलर के ऊपर इन्होंने 60% सॉरी पेट्रोल बढ़ा दी है, 60 रुपए देख ले, 30 रुपए पहले 30 रुपए हफ्ते के अंदर देख ले बढ़ा दिया, इतनी महंगी शर्तें लगा दी है। तो इमरान खान के दौर में इमरान खान ने इनकी 30% 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाने की बजाय 10 कम किए, 5 रुपए फी यूनिट बिजली भी कम की, आज अभी बिजली भी 8 रुपए वो भी बढ़ रही है। तो किधर जाएगा गरीब, वो तो मेरे ख्याल से गरीब तो गरीब होना चाहिए, 76 पढ़ना चाहिए इस आवाम को, क्योंकि इन्हें शऊर नहीं आ रहा, इन्हें समझ नहीं आ रही। अब भी ये मरियम के जलसों में जाते हैं यार, वो तो बिरयानी के डब्बे लेने जाते हैं, क्यों क्यों जाते हैं, बिरयानी के पीछे भरे जा रहे हैं। आप दिखाएं, आप वो बिरयानी खिलाने वाले, आप दिखाएं, आप क्या बिरयानी वाले आए ना। मेरे ख्याल से बिरयानी खाने के लिए भी पेट्रोल महंगा होगा, बिरयानी सस्ती पड़ेगी। तो लेकिन इंडिया की भाई ना, मुझे समझ नहीं आया तुर्की ने क्यों इनकार की है, ये कोई रीजन नहीं क्या, वो क्यों जो गंदा है अभी, पहले इतनी देर से ले रहे, पहले तो आज तक ये बात, या तो किसी के कहने पे बोल रहे हैं, और मुझे लगता नहीं चाहना किसी के जितना जल्दी किसी के कहना माने, एक बात। दूसरी बात है चाइना सॉरी सर, चाइना हर वक्त हमारे दिमाग में समाया, इसलिए नाम आ गया तुर्की। मुझे नहीं लगता तुर्की इस तरह इनको इग्नोर करता है इंडिया को, लेकिन देखे इसके पीछे क्या है। लेकिन इंडिया का गेहूं गंदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना इमेज दुनिया में खराब नहीं करना नहीं चाहते। करते बिल्कुल सही, अगर इस तरह होता तो तुर्क दोस्त सॉरी श्रीलंका की मदद ना करते। और मेरे ख्याल से सबसे मुझे जो अच्छी बात लगी है ना, उन्होंने बताया कि ये है दोस्ती, बिल्कुल यार उन्होंने मुझे पता है इस बात का, तुर्की जो है ना, तुर्की उसकी जो भी रीजन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये इल्जाम तराशी है किस्म की इंडिया के ऊपर। लेकिन ये है, इंडिया किसी का हक नहीं खाता, इंडिया किसी के किसी भी गरीब कंट्री के ऊपर जबर जबरती चाइना की तरह या अमेरिका की तरह ना कभी किया है ना करता है, और मुझे जितना पता है इंडिया किसी के ऊपर इस तरह करेगा भी नहीं। इंडिया ने तो मदद की अफगानिस्तान में भी, इंडिया ने मदद की श्रीलंका की भी, बिल्कुल। अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, उधर भी इंडिया ने मतलब ताइवान का साथ दिया, सपोर्ट किया, लड़ने के बजाय उन्होंने चाइना से भी ये बात की कि आप भाई इसके ऊपर धावा ना बोलें, और ये कोई बीच का मसला, वो बीच का रास्ता निकाले और वो मसला ठंडा हो गया। वो भी चाइना ने अच्छा किया, दूसरा इंडिया ने। लेकिन मुझे इतना यकीन है इंडिया ने क्यों गंदा नहीं दिया होगा, ये कोई इल्जाम तराशी है, इसके पीछे कुछ और बात है। और बाकी फाइनल बात है एंड पे ये कि ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है इसमें मेरे ख्याल से इंडिया की बेहतरी है, और इसे और भी इंडिया भाई जी कोई भी प्रोजेक्ट जो होगा ना हिंदुस्तान के अंदर, वो उसकी बेहतरी की और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से बहुत ही फायदेमंद साबित हो गएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।